हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़। और दिल की आवाज़ के साथ मैं वाहिद हाशमी। आज हम बेंगलोर शहर से यहाँ पर गोरी बिंदुर में आए हुए हैं और आज यहाँ पर हमारे साथ ज़हीर अहमद साहब हैं, जो कर्नाटका माइनॉरिटी सेवा संघ के एक लीडर हैं और नूरानी मस्जिद जो HBR लवट में है उसके सेक्रेटरी हैं। माशाल्लाह कौम के रहबर हैं। 2004 से ये कह रहे थे कि 2004 से ये खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, बेंगलुरु शहर में बहुत सारे काउंसलर लोग और बहुत सारे लोग ज़रूरतमंदों को राशन तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ज़हीर अहमद साहब जो हैं किसी की पास से इंफॉर्मेशन लेकर गोरीबिंदुर आए हुए हैं यहाँ पर ज़रूरतमंदों को राशन देने के लिए। जैसा कि गोरीबिंदुर में आप देखते हैं, जैसा कि हम पूछते हैं हमारे ज़हीर अहमद साहब से, इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है जो मौजूदा हालात पर जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। चलिए पूछते हैं हमारे ज़हीर अहमद साहब से दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खिदमत मैं 2004 से देते आ रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके इस मरतबा इधर गोरीबिंदुर में आके खिदमत दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल भी खिदमत देने का मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह करेंगे। जी, कहाँ से आपको मालूम हुआ कि यहाँ पर गोरीबिंदुर में आप आके राशन बटने का इरादा किए? जी, बेंगलुरु के अंदर एक हमारे एक दोस्त रहते हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि इधर गोरीबिंदुर में थोड़ा हमारे कौम के बहुत लोग भाई, तो हम आके इधर चेक किए। पहले चेक करने के बाद हमें पता चला कि हाँ सही मुस्तलिक आदमी हैं, फिर हमने राशन तकसीम करने का इरादा किया। और आप कह रहे थे कि नूरानी मस्जिद जो HBR लोट में, हम पर कब से खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं? जी, 2017 से नूरानी मस्जिद के सेक्रेटरी का अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह वहाँ भी खुद तकसीम किए हैं, पर इतना मैं आवाम से यह कहना चाहता हूँ कि जो बेंगलुरु के काउंसलर हैं, कारपोरेटर्स जितने भी हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये छोटे छोटे हल्के में आके चेक करें, चेक करके देने के लिए उन्होंने भी आगे बढ़ें। जी, जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे ज़हीर अहमद साहब की दिल की आवाज़ सुनी, ये कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी गांव में, छोटे छोटे गांव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, सब लोग, चाहे वो MLO हो या काउंसलर हो या जो भी, जिसको भी अल्लाह ने नवाजा है, वो लोग ऐसी जगहों पर जाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें, यही इनकी दिल की आवाज़ है। और हम हमारे ज़हीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए ख्याल किया और रमज़ान के मुबारक महीने में एक नेक अमल करने का इरादा किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे ज़हीर अहमद साहब को सलामत रखे, खुश आबाद रखे। यही हमारे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह हम फिर मिले किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय कर्नाटका।